ही है, एक बस नाम ही गूंज रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, डॉक्टर ईश कुमार हांडा, हैप्पी अर्थ इंडिया से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेमिन। फ्रेंड्स, ये एक HHI की ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर की एक ज़रूरत है, हर घर की नींद है। हमारा जो शरीर है उसमें जो हर बीमारी है वो पेट से शुरू होती है। पेट को एक बेस माना जाता है। खट्टे गैस, डकार, बार बार आना, कब्ज़ रहनी, अपचन रहना, भूख ना लगनी, अग्नि मानदेय हो जाना, पेट में एसिडिटी बन जाना, ये एक बड़े कॉमन से लक्षण है जो हर घर में किसी ना किसी रोगी को किसी ना किसी रूप में रहते ही। किसी दिन ज़्यादा खा लिया तो दिक्कत आ गई, किसी दिन कम खा लिया तो दिक्कत आ गई, किसी को कब से बीमारी चली जा रही है ये। सो फ्रेंड्स, HHI ने इस ज़रूरत को समझते हुए एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया है जिसको हमने एक डाइजेमिन नाम का सिरप दिया। उसमें ये पूरी की पूरी मेडिसिन का जो एक लिस्ट है उसको एडमिनिस्टर किया गया। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिरप है वो बाकी मार्केट सिरप से क्यों अच्छा है। शायद ही कोई आयुर्वेदा के ग्रंथों में ऐसी जड़ी बूटी होगी, ऐसी औषधि होगी, ऐसी गुणकारी दवा होगी जो हमने इस सिरप में नहीं डाली, जो कि हर तरह के पेट के रोगों पे कार्य करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं इस दवा में जो कि इसको एक अचूक और रामबाण औषधि का नाम डाइजीम जो हमने डेवलप किया है उसमें क्यों है। पहला है इसमें पिपली। पिपली अपने उष्ण वीर्य करके पहचानी जाती है। आयुर्वेदा के ग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये भूख को बढ़ाती है, जो हमारे आम है, जो टॉक्सिन्स हैं उनका पाचन करती है, जो हमारे पेट में अग्नि मानदेय तक जो भूख मरती है उसको जगाती है। हरित की, हरड़ पेट को साफ करने के लिए कारक है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, विशुद्धियों को दूर करती है, भूख बढ़ाती है। अजमोदा, अजवाइन, जो अजवाइन है वो सदियों से जानी जाती है अपने पेट के दर्द को कम करने के लिए, पेट में आए गैस अफारा को कम करने के लिए, और हवा, जो हवा नीचे के मार्ग से सरकाने के लिए। उसके बाद है वायुविडंग। दोस्तों, जो वायुविडंग है वो पेट में कीड़ों को मारने के कारक है, प्लस गैस को कम करती है, अफारे को कम करती है, और पेट में जो दर्द है उसको ख़त्म करती है। उसके बाद है पिपली मूल। जो पिपली मूल है वो एक उष्ण वीर्य द्रव्य है जो कि आपके शरीर में से जो अत्यधिक गर्मी है उसको बाहर निकालती है, पेट को नर्म बनाती है, भूख प्यास को बढ़ाती है, और जो गैसें हैं उसको आराम से नीचे वाले मार्ग से निकाल देती है। छोटी इलायची, जो मोटी इलायची है वो बेसिकली हमारे शरीर में भूख को बढ़ाती है, हवा को नीचे से सरकाती है, और पेट में अफारा तनाव को कम करती है। धनिया, धनिया एक ठंडी औषधि है जो कि पेट में अफारा, गैस, एसिडिली, जलन, अपचन को जड़ से खत्म करने के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में है। उसके बाद है चित्रक छाल। चित्रक छाल एक उष्ण वीर्य द्रव्य है जो कि हमारे पेट में जो गैस है, इंडाइजेशन है, अपचन है, अफारा है, उन सब चीज़ों को जड़ से खत्म करती है। उसके बाद है काली मिर्च। काली मिर्च एक योगवाई का कार्य करती है कि जो एक दवाई है उसके असर को काली मिर्च 3 गुना तक बढ़ा देती है। आपके शरीर में दवा की जो अब्जॉर्प्शन है, जो उसका एसिमिलेशन है, वो उसको बढ़ाता है बाकी सभी दवाइयों के साथ मिलकर, उसका असर 3 गुना कर देती है। उसके बाद है यवक क्षार। यवक क्षार पेट में गैस, अफारा, एसिडिटी को जड़ से खत्म करती है कि एक बंदे को अफारा गैस हुआ, तुरंत लिया, तुरंत राहत आ गई। उसके बाद है नौसादर। नौसादर बहुत मिनिमल, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, उसी करके हमने इसमें बहुत कम मात्रा में नौसादर का इस्तेमाल करके ये एक अचूक औषधि है जो कि पेट में तेजाब, गैस, अफारा, पेट में दर्द, एसिडिटी, बार बार डकार आना, उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी कार्यरत है। उसके बाद है अनारदाना। जो अनारदाना है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, भूख को बढ़ाता है, प्यास को बढ़ाता है, आपके पेट में अफारा गैस चीज़ों को कम करता है। उसके बाद है काला नमक। जो काला नमक है वो भूख बढ़ाने का बहुत अच्छा कारक है, मुंह में जो स्वाद किसी का कम हो जाता है उसको बनाने के लिए कारक है। उसके अगला है सैंधव लवण। जो सैंधव लवण है वो हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारे मुख में स्वाद को पैदा करते हैं उनको बढ़ाते हैं, जो हमारे पेट में खाने को हजम करते हैं उनको ये बल प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये तो एक जड़ी बूटी है जिसको हमने प्रोसेस करके इसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने जिन चीज़ों में डाला है वो भी गुणकारी औषधियाँ हैं। उसका है अदरक का रस। अदरक का रस निकाल कर हमने उसमें ये दवाइयों को एसिमिलेट किया है। दोस्तों, जो अदरक है वो आम पाचक है, जो आम मीन्स टॉक्सिन है उनका पाक करता है, उनको शरीर से बाहर निकालता है,
भूख को बढ़ाता है, आपके शरीर में ताजगी का एहसास कराता है और वायु को शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद है नींबू। नींबू स्वाद को बढ़ाता है, मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो खाने का पाचन करते हैं उनको बल प्रदान करता है, पेट में दर्द गैस अफारा को कम करता है। उसके बाद है सौंफ। सौंफ पेट के दर्द की एक रामबाण और एक अचूक औषधि है। ये पेट में उठने वाली लहरों जिनको कहते हैं बार बार कभी लूज मोशन लग जाना या कब्ज हो जाना, उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। उसके बाद है अजवाइन। अजवाइन पेट में दर्द की एक अचूक औषधि है, अफारा और गैस को जड़ से खत्म करने के लिए इसका लोहा पूरा विश्व मानता है। उसके अगला है पुदीना। जो पुदीना है वो एक ठंडी तासीर होने करके अपने पेट में गैस अफारा इन सब चीज़ों को जड़ से खत्म करता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कुछ जड़ी बूटियों को और एक जड़ी बूटियों के जूसेस के अंदर हमने इसको बनाकर प्रिपेयर किया है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक औषधि का एक अलग गुण कर्म और स्वभाव है, हर गुण औषधि का हर अलग तरह से शरीर के ऊपर कार्य है। सो ये एक ऐसा अचूक फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया है अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने सारे कस्टमर्स के लिए कि वो इस दवाई का सेवन 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले करें और किसी भी तरह से पेट और गैस संबंधी रोग हैं आप उनसे निजात आराम से पा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो वो भी 5 साल से ऊपर इसका सेवन कर सकता है 1 चम्मच सुबह शाम, और जिनकी आयु 20 साल से ऊपर है वो 2 चम्मच दिन में 3 बार इसका आराम से सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही चूक औषधि है, हमने आपके जो दिक्कतें हैं उनको रेगुलरली सोचा समझा पहचाना और जो भी हम लोग एक अपने लेवल पर रिसर्च करके एक बेस्ट प्रोटोकॉल एक बेस्ट दवाई तैयार कर सकते हैं पेट संबंधी किसी भी प्रकार के रोग के लिए, हम लोगों ने बेसिकली तैयार की है। हमें खुशी होगी कि हम अगर किसी भी एक मरीज को इसके द्वारा राहत दे सकें। बाकी आप कुछ भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें खुशी होगी हम आपका किसी भी लेवल पे हेल्प आउट कर सकें। धन्यवाद। हैप्पी है एक बस नाम ही गूंज रहा।